फिलहाल दिल्ली से भी एक और बड़ी खबर है, जहां नीति आयोग की बैठक लगातार चल रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम शिवराज और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में मौजूद हैं। राज्यों के विकास के रोड मैप पर मंथन लगातार जारी है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, नीति आयोग की बैठक लगातार चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए हैं, अमित शाह भी इसमें मौजूद हैं, तमाम राज्यों के सीएम इसमें पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दोनों ही प्रदेशों के मुखिया इस बैठक का हिस्सा हैं। राज्यों में आगामी विकास कार्य क्या रहेंगे, कैसे धरातल पर उन्हें उतारना है, इसी पर मंथन यानी कि विकास के रोड मैप पर कुल मिलाकर चर्चा। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तमाम राज्यों के सीएम और प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। आयोग की आज गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक है और इस बैठक में आने वाले 25 सालों में भारत कैसा होगा, यानी 2047 में भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने, उसके मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। टीम इंडिया की बात की जा रही है, टीम इंडिया यानी जो अलग अलग राज्य हैं उनकी बात की जा रही कि राज्य विकसित होंगे तो देश विकसित होगा, ये प्रधानमंत्री की सोच है। और आज की बैठक में जो प्रमुख रूप से 8 बिंदु हैं उसमें रखे जाएंगे, जैसे MSME को की जो चुनौतियाँ हैं वो क्या होंगी, जो निवेश है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, महिला सशक्तिकरण है, स्वास्थ्य है, पोषण है, इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे और एक रोड मैप को तैयार करेंगे कि 2047 का भारत कैसा होगा। तो उसी की बुनियाद, या ये कहें कि उसका के जो एक नींव रखी जाती है, एक मजबूत बुनियाद रखी जाती है, उसकी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और इस बैठक में है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं, मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, इसके अलावा अलग अलग राज्यों के ज़्यादातर मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, कुछ 4 या 5 राज्यों की तरफ से यहाँ के मुख्यमंत्री अलग अलग कारणों से नहीं पहुँच पाए हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18।